YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रोहतक की बात करेंगे। रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सोनीपत में कहा कि बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने से पहले जनता से जो वायदे किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं किया है। बीजेपी सरकार केवल पूंजीपतियों की सरकार है। दरअसल सांसद दीपेंद्र हुड्डा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के 4 साल के कार्यकाल का अगर आंकलन किया जाए तो किसी भी मापदंड पर सरकार हरियाणा के लोगों के साथ न्याय करने में नाकाम रही है, जिसका लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे। कविता शर्मा हमारी संवाददाता सोनीपत से फोन लाइन पर जुड़ गई है। कविता, दीपेंद्र हुड्डा ने जो सरकार पर ये वार किया है, इसे लेकर और क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी बिल्कुल, देखिए इस समय रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है प्रदेश में लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि आगामी 3 जून को जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, जन क्रांति यात्रा की शुरुआत कर रही हैं, इसी का न्योता देने के लिए दीपेंद्र हुड्डा जो है सोनीपत पहुंचे थे। आज बड़ौदा में जो है कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। इस दौरान हालांकि उन्होंने जमकर सरकार पर निशाना साधा है और बीजेपी पर जो है अपने किसी भी चुनावी वादे को पूरा नहीं करने का उन्होंने आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो बीजेपी सरकार से लोगों को उम्मीदें थी, चाहे वो किसान वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो या जो खिलाड़ी वर्ग है, आज सभी परेशान हो चुके हैं और इन 4 सालों में सिर्फ ये सरकार जुमलों की सरकार साबित हुई है। कविता, फिलहाल अभी तक क्या किसी की प्रतिक्रिया है सरकार की तरफ से? देखिए दीपेंद्र हुड्डा जिस तरह से लगातार जो है बीजेपी पर हमलावर हो रही है, हालांकि लगातार जो है पलटवार बीजेपी की तरफ से हो रहा है। बीजेपी के नेता लगातार ये बातें कर रहे हैं कि आज जो है विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जनता को गुमराह करने वाली बातें कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कविता आपका तमाम जानकारी के लिए। तो दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर ये निशाना साधा है और उनका कहना है कि सरकार सिर्फ जुमलों की सरकार बनकर रह गई है और हरियाणा के साथ न्याय नहीं हुआ है। हरियाणा की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है।